पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्दी के वाकयात में अफगानी दहशतगर्दों का हाथ। अफगान दहशतगर्द पाकिस्तान में एक अरसे से मुख्तलिफ गैर कानूनी सरगर्मियों में मुलव्वस। टीटीपी को भी अफगान दहशतगर्दों की पुष्पनाही हासिल। गुज़श्ता चंद माह में पाकिस्तान में होने वाले 24 खुदकुश हमलावरों में से 14 अफगानी हमलावर निकले। सिक्योरिटी इदारे अफगान दहशतगर्दों के खिलाफ मौसर हिकमत अमली पर अमल दरामद शुरू कर चुके। रवां साल 3,911 अफगानी जराइम में मुलव्वस निकले। 597 अफगान महाजरीन पाकिस्तानी शनाख्ती कार्ड बनाने की कोशिश में गिरफ्तार हुए। खैबर पख्तूनख्वा में अफगान महाजरीन से मुतलिक रिपोर्ट जारी। कबायली अजला में 22,039, बंदोबस्ती अजला में 285,608 अफगान महाजरीन मुकीम। विफाकी और सूबाई सतह पर टास्क फोर्स कायम करके अफगान महाजरीन का डेटा जमा करने का फैसला। गैर कानूनी तौर पर बनाए गए पाकिस्तानी कार्ड्स को फौरी मनसूख करने की भी हिदायत। पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाकयात के बाद कौम ये सोचने पे मजबूर हो गई है कि गैर कानूनी तारकीन वतन को पाकिस्तान की सरजमीन से निकाला जाए। पाकिस्तान भी इस बात की इजाज़त नहीं देगा कि हमारे अफगान भाई जिन्हें हमने कई अशरों से रखा और इज्जत दी, वो मुल्क दुश्मनी और दहशतगर्दी की वारदातें करें या मुल्क को कौम को नुकसान पहुँचाएं। दहशतगर्दी में मुलव्वस अनासिर इंसानियत के दुश्मन हैं, अहनी हाथों से निपटा जाएगा। निगरान वज़ीर इत्तला'आत बलूचिस्तान जाना चकज़ई की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, गैर कानूनी तौर पर पाकिस्तान में रहने वालों को अपने मुल्क जाना होगा। स्मगलरों और गैर कानूनी करेंसी का कारोबार करने वालों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं। कला सैफुल्ला योग कैंट और हंगू हमले में अफगान बाशिंदे मुलव्वस हैं। 24 खुदकुश हमलों में से 14 अफगान दहशतगर्दों ने किए। अफगान शहरी वीजा लेकर पाकिस्तान आए तो हमें कोई एतराज नहीं। निगरान वज़ीर-ए-आज़म की ज़ेर सदारत SIFC की एपेक्स कमेटी का अहम इजलास। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर, विफाकी वज़रा और अस्करी हुकाम की शिरकत। चारों सूबाई वज़रा आला चीफ सेक्रेटरीज भी शरीक। सरमायाकारी के लिए सहूलियात का जायजा। सऊदी अरब, चीन समेत खलीजी ममालिक के मुख्तलिफ मनसूबों में दिलचस्पी पर गौर। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मुतालिक काबिल अमल मनसूबों की मंजूरी दी जाएगी। मादनियात, ज़राअत, कानकनी समेत मुख्तलिफ शोबाजात में मनसूबों का जायजा लिया जाएगा। साइफर केस की समाअत ओपन कोर्ट में होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की इन कैमरा समाअत की दरख्वास्त निपटा दी। चेयरमैन PTI पर 9 अक्टूबर को ही फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। मुलजिमान में चलान की नकूल तकसीम किए बगैर समाअत 9 अक्टूबर तक मुलतवी। मुलजिमान के वकला की जेल में होने वाली समाअत रोकने की सदा मुस्तरद। जज अबुल हसन ज़ुल्करनैन ने रिमार्क्स दिए, हाई कोर्ट का कोई हुक्म इम्तना नहीं, समाअत नहीं रोकी जा सकती। नौ मई वाकयात, तोशा खाना जालसाजी और इकदाम कत्ल से मुतालिक 9 केसेस में जमानत का केस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI की जमानत की दरख्वास्तें बहाल करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। फैसले के मतन के मुताबिक जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद करने का ट्रायल कोर्ट का फैसला कलदम करार दिया जाता है। चेयरमैन PTI का हाजिरी से इस्तिस्ना भी बहाल किया जाता है। जमानत मनसूखी के बावजूद रियासत ने चेयरमैन PTI को इन मुकदमात में गिरफ्तार नहीं किया। ट्रायल कोर्ट ये नुक्ता देखते हुए जमानत की दरख्वास्तों पर फैसला करे। जिना हाउस जलाओ घेराव के मुकदमे में पेशरफ। पुलिस ने असद उमर, अलीमा खान और उस्मा खान की गिरफ्तारी मांग ली। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने तीनों की अबूरी जमानत में 16 अक्टूबर तक तौसी कर दी। तफ्तीशी अफसर ने कहा, तीनों मुलजमान जिना हाउस हमला केस में कसूरवार पाए गए। वकील बुरहान मुअज्जिम ने कहा, हमें वो बयान दिखाए जाए जिसकी रोशनी में कसूरवार करार दिया गया। तफ्तीशी अफसर की 161 के तमाम बयान दिखाने पर आमादगी। अदालत ने असद उमर को 3 केसेस में शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दे दिया। आर्मी चीफ की हिदायत पर डॉलर की स्मगलिंग के खिलाफ कार्रवाइयां काम कर गई। इंटरबैंक में डॉलर मजीद 1.04 रुपया सस्ता। डॉलर 284.68 रुपये पर ट्रेड। स्टॉक एक्सचेंज में भी 389 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स ने 47,000 की नफसियाती हद अबूर कर ली।
आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का टेलीफोनिक रब्ता। पेंटागन के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने बाहमी दिलचस्पी के उमूर और हालिया इलाकई पेशरफ पर तबादला ख्याल किया। निगरान वज़ीर आज़म का नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन का हुक्म। एफपीआर की तमाम असला में कानून नाफिज करने वाले इदारों की हमराह कार्रवाइयाँ। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों से अरबों रुपए का टैक्स हासिल होने का इम्कान। नॉन कस्टम पेड गाड़ियों के खिलाफ एक्शन ना करने वाले एक्साइज अमले के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। क्या मुस्लिम लीग नून अपने कायद नवाज शरीफ के एहतसाब के नारे से पीछे हट गई? रहनुमा मुस्लिम लीग नून राना सनाउल्लाह कहते हैं, नवाज शरीफ को इख्तदार से बेदखल करने वाले साबिक जजों और जर्नैलों का एहतसाब करने का फैसला मुअख्खर किया है। डील नहीं भूले हैं, सारे मामले वक्त पर होंगे। कायद नवाज शरीफ की सूरत में एक ऐसी आजमूदा तजुर्बेकार क्यादत मौजूद है। जैसे 2013 के बाद नवाज शरीफ की क्यादत में पाकिस्तान महंगाई की चक्की से आजाद हुआ था, 2024 में फिर हम महंगाई की चक्की से अवाम को कामयाब होकर निजात दिलाएं। पाकिस्तान में मईशत का पहिया रुक चुका, अवाम महंगाई की चक्की में पिस रहे हैं। नवाज शरीफ अवाम को महंगाई की चक्की से निकालेंगे। नून लीगी रहनुमा एहसन इकबाल और मरियम औरंगजेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, नवाज शरीफ को मईशत के हवाले से तजर्बा हासिल है। 2013 में मुस्लिम लीग नून को इससे भी मुश्किल हालात में हुकूमत मिली थी। पाकिस्तान को अब किसी नए तजर्बे की जरूरत नहीं, पाकिस्तान को नवाज शरीफ जैसे तजर्बाकार तबीब की जरूरत है। लगता है नवाज शरीफ को दवाई मिल गई जिसे वो 3 साल से ढूंढ रहे थे। उन्हें 3 साल पहले ही पाकिस्तान आ जाना चाहिए था। रहनुमा पीटीआई असद उमर कहते हैं, नवाज शरीफ के खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए। चेयरमैन तहरीके इंसाफ कोर्ट से रिलीफ मिलने पर इलेक्शन लड़ेंगे। इंतखाबात का ऐलान होने दें, सबको कैंपेन करने की इजाजत मिलेगी। ओकाड़ा एंटी करप्शन अदालत ने साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी के साबिक शौहर खावर मानिका को जुडिशियल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। एंटी करप्शन ने उनके मसीह जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। कराची में दूध को महंगाई का उबाल, डबल सेंचुरी मुकम्मल। दूध की सरकारी कीमत में 20 रुपए फी लीटर इजाफा, 200 रुपए फी लीटर मिलेगा। जिले इंतजामिया ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। डेयरी फार्मर और होलसेलर्स को दूध 180 रुपए लीटर मिलेगा। दूध की कीमत बढ़ने पर शहरी सीखा। नैब सखर का सिविल जज के हमराह महकमे खुराक के फूड सेंटर पर छापा, 3000 से जायद गंदम की बोरियां गायब। बोरियों में गंदम की जगह मट्टी की मिलावट की गई थी। पक्खू फूड सेंटर के इंचार्ज वाजिद अली को रिकॉर्ड समेत नैब ऑफिस तलब कर लिया गया। इस्लामाबाद समेत मुल्क भर के पासपोर्ट दफातर में सिस्टम डाउन होने से काम ठप। पासपोर्ट दफातर में 5 घंटे के दौरान कोई काम ना हो सका। ज़राए के मुताबिक मेन सर्वर में खराबी के बाद सिस्टम में मसला आया। इस्लामाबाद के मेन सर्वर्स को 5 घंटे बाद ठीक कर दिया गया। लाहौर के इलाके कहना रो में वालिद का बच्चों को नहर में फेंकने का वाकया, 4 में से 3 बच्चों की लाशों को मुस्तफाबाद नहर से निकाल लिया गया। चौथे बच्चे की तलाश के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। डीओ कसूर का कहना है कि पानी का बहाव बहुत तेज है, लाश तलाश करने में मुश्किलात का सामना है। सिंध हाई कोर्ट का पब्लिक पार्क्स में दाखिला और पार्किंग फीस वसूली पर इजहार बरहमी। कायम मकाम चीफ जस्टिस इरफान सादत खान बोले,
शहरी हुकूमत के चार इदारों ने सबको घनघरच चक्कर बना रखा है। सारे इदारे मिलकर के डीए बन जाते हैं। ये हो क्या रहा है? पब्लिक पार्क्स और प्लेग्राउंड्स में कमर्शियल काम नहीं होने देंगे। केएमसी, डीएमसीज और दीगर इदारों के तहत चलने वाले पार्क्स और प्लेग्राउंड्स की तफसीलात तलब। पाकिस्तान में पोलियो का एक और केस सामने आ गया। खैबर पख्तूनख्वा के जिला बन्नू में पोलियो वायरस की तस्दीक। तर्जमान वजारत सेहत के मुताबिक बकाखेल की 1.5 साल बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। रवां साल पोलियो केसेस की तादाद 3 हो गई।